पीनट बटर में भरपूर मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। यदि आप वर्कआउट करते हैं तो पीनट बटर का महत्व तो आपको पता ही होगा। मार्केट में बिकने वाले पीनट बटर के दाम बहुत ही हाई होते हैं। आज हम आपको 20 रुपए में पीनट बटर बनाने की सबसे आसान विधि बताएंगे। क्रीम से मक्खन बनाने की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, लेकिन पीनट बटर बनाना उससे कहीं ज्यादा आसान होता है। तो पीनट बटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको मूंगफली लेनी होती है, तो मूंगफली को आपको अच्छी तरह से भून लेना होता है। तो इस समय विंटर सीजन चल रहा है, तो आपके घर के आसपास आपको मूंगफली आसानी से भुनी हुई मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको मूंगफली लेकर आनी है, उसके छिलकों को उतारना है और इसके ऊपर जो छिलके हैं उनको भी आपको अलग कर लेना है। तो हमें इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि विंटर सीजन में यह आसानी से आपको मिल जाती हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम किसी एक छन्नी में लोड लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो बारीक बारीक के छिलके होते हैं उनको भी उतारना ज़रूरी होता है। अगर ये पीनट बटर बनाते समय उसमें मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपको पता ही होगा इसका जो टेस्ट है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाथ की मदद से इसकी छिलकों को उतार लीजिए और जो छिलके हैं वो नीचे निकल जाएंगे। मूंगफली के सभी दानों के छिलकों को हमने अच्छी तरह से अलग कर लिया है। चलिए अब हम इसका पीनट बटर बनाना शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हमने मिक्सी का एक जार लिया है। मिक्सी के जार में हमें सभी मूंगफली के दानों को डाल देना है। इसके बाद हमें इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। तो दोस्तों याद रखें, जब भी आप मूंगफली जैसी चीज़ को अगर ग्राइंड करें तो इसको थोड़ा रुक रुक कर आप ग्राइंड करें, क्योंकि मूंगफली जब पेस्ट रूप में आती है तो मतलब ये काफ़ी गर्म हो जाती है, तो आपका जो मिक्सी का जार है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा रुक रुक कर इसको ग्राइंड करें। तो जैसे कि 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी दरदरा हो चुका है। अब हम इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ और स्पेशल चीज़ें भी ऐड करेंगे, जो कि आपको मार्केट में मिलने वाले पीनट बटर में शायद नहीं मिलती होगी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच शहद लिया है। शहद आप असली लीजिए, जिससे कि इसका टेस्ट भी बढ़े और मतलब आपको खाने में और ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तब तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर दोस्तों आप ओलिव ऑयल या फिर आपके पास मूंगफली का तेल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। याद रखें, अगर आप ओलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो बिना फ्लेवर वाला यूज़ करें। इसके बाद हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको मतलब इसको जब तक ग्राइंड करना है जब तक कि ये पेस्ट के रूप में ना जाए। तो चलिए हम इसको कुछ देर के लिए अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों पीनट बटर बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको लगता है कि पीनट बटर में कुछ ऐसी चीज़ें डलती होंगी जो आपको ना मिल पाए, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा और पेस्ट के रूप में आ चुका है। चलिए अब हम आपको इसको पूरा रेडी करके दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा पीनट बटर बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से आप भी मूंगफली का मक्खन यानी कि पीनट बटर घर पर बना सकते हैं। तो हमने 20 रुपए की मूंगफली में लगभग 7 दिन के लिए इस पीनट बटर को तैयार कर लिया है। अगर आप इसे मार्केट से खरीदने जाते तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलता। तो दोस्तों इस पीनट बटर को आप वर्कआउट से पहले या फिर बाद में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तब आप दिन में इसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर विंटर सीजन में आप इसे इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।